Do subscribe to Ikeda channel and press bell icon to get updates about latest engineering, HSE and IIT JEE main and advanced videos. Question number 3 related to same type, integral 1 dx upon cos of 2x plus 3 sin square x. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सबसे पहला. सो आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 डी एक्स कॉस 2x, तो हम रिप्लेस करेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये हो गया cos 2x का फॉर्मूला. प्लस सेकेंड टर्म जो है 3 साइन स्क्वायर x, वी राइट एज इट इज. सो प्लस 3 साइन स्क्वायर x, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा इंटीग्रल, नोमरेटर हो गया 1 डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर टर्म सेम रह गया. अब 3 साइन स्क्वायर x माइनस 1 साइन स्क्वायर x, सो हमें मिला प्लस 2 साइन स्क्वायर x. उसके बाद हमसे हम डिवाइड करते हैं नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एज यूजल कॉस स्क्वायर x से. सो डिवाइड नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर x. सो डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा इंटीग्रल, नोमरेटर हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x डी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर हो गया हमारा कॉस स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x. ऑन कैंसलेशन हमें मिलेगा इंटीग्रल, अब न्यूमरेटर हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, दैट इज द ट्रिगो फॉर्मूला, sec स्क्वायर x डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर कैंसल हो गया यहाँ पर, तो हमें आंसर मिलेगा 1 प्लस 2 और सेकेंड पार्ट हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो उसका आंसर आ गया टैन स्क्वायर एक्स. उसके बाद की स्टेप्स क्या है, पुट टैन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, टैन एक्स का डेरिवेटिव आया sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव आया डी टी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स को हम कहाँ शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट में, तो हमें क्या मिलेगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या, तो सबसे पहला टैन एक्स इज इक्वल टू टी, इसका मतलब है क्वेश्चन में जहाँ भी टैन दिखाई देगा वहाँ पे आपको टी लिखना है, एंड सेकेंड टर्म sec स्क्वायर एक्स डी एक्स उसको हमें रिप्लेस करना है डी टी से, तो हमारा क्वेश्चन होगा देयरफॉर आई फॉर इंटीग्रेशन, नोमरेटर था sec स्क्वायर एक्स डी एक्स जिसे हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे डी टी अपॉन, डिनोमिनेटर हो गया हमारा 1 प्लस 2 और टैन स्क्वायर एक्स को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे टी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल डी टी अपॉन 1 किसका स्क्वायर है 1 का, और 2 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है इसलिए हम उसे लिखेंगे रूट 2 इंटू टी ब्रैकेट स्क्वायर. सो फिर से हमें सेम फॉर्मूला मिला इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका आंसर आता है 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए,
तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन a, a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 इंटू टैन इनवर्स x, x का वैल्यू है यहाँ पे √2 इंटू t अपॉन a, a का वैल्यू है 1 अपॉन t का कोएफिशिएंट कि जो था √2 प्लस c, सो इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा आंसर 1/√2 टैन इनवर्स ब्रैकेट √2 इंटू t, t की वैल्यू क्या है टैन ऑफ x प्लस c। इसी तरह हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रल 1 dx अपॉन cos 2x प्लस 3 sin² x, और उसका आंसर आया 1/√2 टैन इनवर्स ब्रैकेट √2 इंटू tan x ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। सो इसी तरह हमारी टाइप नंबर 12 कंप्लीट हो गई।